احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين پارا 10 سورة الانفال آیت نمبر 49 जब कह रहे थे। देखे याद रखिए कि बातें कौन सी चल रही हैं, बैकग्राउंड क्या चल रहा है, जंगे बदर का और उसके आसपास के वाकयात कि क्या हुआ था, आगे पीछे क्या हो रहा था, वो सब बातें अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं। इज यकूलू जब कह रहे थे, कौला यकूलू से बनाए, यकूलू फेरे मुजारे है, जब कह रहे थे अल मुनाफिकून, मुनाफिक, मुनाफिक कौन होते हैं, हिपोक्रेट्स होते हैं जो कि डुअल चेहरे वाले होते हैं, जिनके कुछ जो सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं, जो उस वक्त जो थे ये मुनाफिक, वो उनके दिल में तो ईमान था, ईमान नहीं था, लेकिन ज़बान से कहते थे कि हम ईमान लाए, लेकिन दिल से वो ईमान नहीं लाए हुए थे, वो जो हैं दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किलसा करते थे, परेशान करते थे और लोगों की हिम्मत तोड़ा करते थे। तो यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है, जब कह रहे थे अल मुनाफिकून वल्लज़ीना और वो लोग जो, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, कल्ब की जमा कुलूब है, उनके दिलों में मरदुन बीमारी थी, मर्द बीमारी, गर्राहू धोखे में डाल दिया उन्हें, गर्रा, गर्रा कहते हैं धोखे में डालने के लिए, धोखे में डाल दिया उन्हें, गर्रा उसने धोखे में डाला, हा उलाई उन लोगों को, गर्रा यहुर्रू एक सेकेंड, गर्रा यहुर्रू जब धोखे में डाल दिया उन्हें, गैन रा रा इसके रूट लेटर्स हैं, हा उलाई उन लोगों को, हा उलाई यहाँ पर इशारा है उन लोगों को, दीन हूँ उनके दीन ने, दीन और हम दो से मिलकर बनाए, दीन हूँ उनके दीन ने, वमन और जो कोई, ये तवक्कल भरोसा करेगा, तवक्कल ये तवक्कला ये तवक्कलू से बना है, तवक्कला ये तवक्कलू जो कोई भरोसा करेगा, ये फेले मुजारे है और लाम के ऊपर जज़म आ गया यहाँ पर मन की वजह से आया, और जो कोई भरोसा करेगा अल्लाह अल्लाह पर, फ़इन्नल्लाह फा मतलब तो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह अजीज़ुन ज़बरदस्त है, हकीम हिकमत वाले हैं, यानी ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। अब यहाँ पर मुनाफिक लोगों की बातें हो रही है कि मुनाफिक हिपोक्रेट्स लोग जिनके दिलों में कुछ था और ज़बान पे कुछ था, यानी दिल में जो है वो ईमान नहीं लाए हुए थे, ज़बान पे ईमान लाए हुए थे, जो कि हर ज़माने में ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी उस वक्त ही ऐसे लोग, अब नहीं मिलते कि ईमान जो है कहें कि हम मुसलमान हैं लेकिन वो अंदर से नहीं होते, लेकिन जो भी जो डबल चेहरे वाले लोग होते हैं उनको मुनाफिक कहा जाता है, निफाक होता है उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मुनाफिक और मुशरिकीन ने जंगे बदर में जब कुरैश मक्का की ज़बरदस्त ताकत देखी, यानी जब मुनाफिक ने देखा इनकी ताकत, तो उनके मुकाबले में मुसलमानों को, यानी मुनाफिकों के पास, मुशरिकीन के पास सब कुछ था, आर्मी भी थी और उनके पास हथियार भी थे, सब कुछ था, लेकिन मुसलमान निहत्थे कमज़ोर, तो वो कहने लगे कि देखो मुसलमानों को क्या हो गया है, उनके दीन ने उनको धोखे में डाल रखा है, यानी उनके अपने दीन ने उनको धोखे में डाल रखा है, और इतनी ज़बरदस्त ताकत के सामने देखो वो मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में क्या कहा कि जो मोमिन होता है, मोमिन सिर्फ और सिर्फ किस पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो हमेशा जीतता ही फिर आता है, हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ पर आज भी मुसलमानों को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और अलग अलग बातें सुननी पड़ती हैं, चाहे छोटे लेवल पर हो, एक घर से लेकर सोसाइटी तक बातें सुननी पड़ती हैं। तो ऐसी बातों के जवाब में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इंसान को अल्लाह के हुक्म मानते हुए अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है, छोटी छोटी जमातें जो हैं, छोटी छोटी ग्रुप्स जो हैं, वो हमेशा बड़े बड़ों पर हावी रहे हैं। जैसे कि पूरे सीरत में आप देखेंगे, पूरी सीरा में, के मुसलमान हमेशा से तादाद में बहुत कम रहे, लेकिन हमेशा वो जीतते आए हैं। तो वो यही मुनाफिकों की बात हो रही थी कि मुनाफिक कह रहे थे कि देखो इनके दीन ने इनको धोखे में डाल दिया, कौन सी ताकत से लड़ने चले, और है कुछ नहीं आसपास, पास में कुछ है नहीं, ना आर्मी है ना हथियार है, कुछ भी नहीं है।
वलऊ तरा, आयत नंबर 50 देखें, वलऊ और अगर तरा आप देखते, इज आप देखें, यरा ये बना है रॉ यरा से पहले मुजारे, और अगर आप देखते इस जब यतवफा फौत करते हैं, फा वाओ ता इसके रूट लेटर्स हैं, फौत करना यानी रूह कब्ज करना, सॉल लेना रूह कब्ज करना, तवफा यतवफा तो जब फौत करते हैं रूह कब्ज करते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, मलाइकतु फरिश्ते यद्रिबू वो मारते हैं, दरबा यद्रिबू से बना है, वो मारते हैं, वजूहहुम उनके चेहरों पर, व अदबारहुम और उनकी पीठों पर, सब्र की जमा अदबार है, और उनकी पीठों पर, वजूकू और चखो, जाका यजूकू से बना है, जूकू चखो, जुक और जूकू अम्र है ये, अजाबा अजाब अलहरीक आग का अजाब, हरीक यानी जलती हुई आग उसके बारे में आता है, यानी जलने का अजाब, हरीक कहते हैं जलने को, तो जलने का अजाब यानी आग का अजाब। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर आप ये देखते यानी जब आप उनको देखते जब जिन लोगों ने कुफ्र किया, तो यतवफ़ा कहते हैं फौत करने को या फिर पूरा पूरा लेने को, है ना, फौत करना होता है यानी पूरा पूरा लेना, जिस्म और रूह के रूह समेत लेना, तो यतवफ़ा पूरा पूरा लेते थे यानी फौत करते थे उनको जिन्होंने कुफ्र किया, फरिश्ते मारते हुए उनके चेहरों पर और उनकी पीठों पर, और कहते थे चखो अजाब आँख का, यानी जिब्रील अली, एक तो ये कि शैतान जो था वो जिब्रील अलैहिस्सलाम से डरता था कि कहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको पकड़कर लोगों के सामने जो है उसको लेकर ना आ जाए, इस वजह से वो भागा भी, ठीक है। और फिर इन आयत में ये भी बताया गया है कि उन काफिरों को अगर आप उस वक्त ये देखते, एक तो वो भाग गया था बचकर, लेकिन उनके साथ क्या हुआ जो मुशरिकीन मक्का थे, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आप देखते, इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, उन काफिरों का हाल उस वक्त देखते जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने के वक्त उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते थे और कहते जाते थे ये तो सज़ा कुछ भी नहीं, आगे चलकर आग की सज़ा जलना, आग की सज़ा भुगतना, यानी तुम्हें उसमें जलना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा इस, और उस वक्त बड़ा हैबत और बहुत हैबतनाक मंजर होता, यानी बहुत ख़तरनाक मंजर होता जब ये लोग आग में डाले जाते। तो हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि जो वाकया बताते हैं कि जंगे बदर में जो हुआ था कि जब कुफ्फारे कुरैश मुसलमानों की तरफ बढ़ते तो फरिश्ते उनके मुंह पर तलवारें मारते, यानी उनके चेहरे पर तलवारें मारते। अच्छा थोड़ा इमेजिन करें कि इंसान सबसे पहले अपना चेहरा बचाता है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ मारने आ रहा है, कहीं से कोई मारने आ रहा है, तो एकदम से हाथ भी इंसान आगे कर लेता है लेकिन अपना चेहरा बचाने की कोशिश करता है, या अगर इंसान जलने वाला हो तो कोशिश करता है उसका चेहरा बच जाए, तो हर सबसे पहले उसका जो रिएक्शन होता है ना बचने का, वो चेहरे की तरफ जाता है। जो फरिश्ते क्या कर रहे थे कि जब मुश्रिकीन उनके सामने बढ़ रहे थे, मुसलमानों के पास आ रहे थे, तो वो तलवार से मारते थे उनके चेहरे पर और उनके मुंह पर, क्योंकि वो पीठ फेर कर भागते थे तो फिर पीठ पर उनके वार करते थे, तो फरिश्ते उनकी पीठों पर मारते और इस तरह उनको कत्ल कर रहे थे और कह रहे थे ये सज़ा तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर जहन्नम के अंगारों में तुम्हें जलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वही बता रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर आपको आप देखते उस मंजर को तो वो मंजर बड़ा हैबतनाक था। आयत नंबर 51 जालिका, ये अच्छा ये जो आयत है पीछे 50, तो इस क्योंकि ये मौत के वक्त की बात हो रही है, तो इससे ये पता चलता है कि मौत के वक्त जब फरिश्ते आते हैं ना तो मुजरिमों को उस वक्त भी मारते हैं, जैसे हदीस में पता चलता है, हदीस से काफ़ी सारी रिवायतों से पता चलता है कि वो किस तरह मारते हैं और किस तरह सख्ती से रूह कब्ज करते हैं और कहते हैं कि चल ए जलील होने वाली नफ्स, चल अपने रब की तरफ, तुझे अभी तो वहाँ का अजाब चखना है, तो और फिर उनको बदबूदार कपड़े में लीथड़े में लपेट दिया जाता है और ऊपर तक ले जाया जाता है, आसमान के दरवाजे भी नहीं खुलते, फिर ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा जाता है उनको, बहुत जिल्लत तरीके से और ज़ोर से दे के मारा जाता है ज़मीन पर। तो यानी उनकी मौत के वक्त भी रुसवाई होती है ऐसे लोगों की जो मुजरिम होते हैं, और उसके बाद जो झेलना पड़ेगा वो भी बहुत सख्त अज़ाब होगा। आयत नंबर 55 जालिका, ये बिमा इस वजह से, जो कद्दमत आगे भेजा, कद्दमा युकद्दिमू से कद्दमत आगे भेजा, पहले माजी का सेगा है ये, फीमेल का सेगा, जैसे क्योंकि ता के ऊपर जज़ब लग गया तो इससे पता चलता है ये कि पहले माजी का फीमेल का सेगा है।
दी कुम तुम्हारे हाथों ने, आई दी हाथों ने और कुम तुम्हारे तुम्हारे हाथों ने। वह अन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह लईसा नहीं है बिज़ल्लामिन जुल्म करने वाला, जल्लाम जुल्म करने वाला यानी जल्लाम, लाम के ऊपर शिद्दत है, तशदीद आ गई। तशदीद का मतलब क्या होता है, तशदीद का मतलब होता है शिद्दत, है ना। और उस वक्त उस वर्ड पे भी अरबी में भी शिद्दत दी जाती है, उस वर्ड पे जोर डाला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जल्लाम नहीं है जुल्म करने वाला। और हुर्फे जर बी भी आ गया यहाँ पर, हुर्फे जर जब बी आ जाता है यानी उस सेंटेंस में फोर्स पैदा किया जाता है, ताकीद पैदा की जाती है। नहीं है कोई जुल्म करने वाला, लिल अबीद बंदों पर या बंदों के लिए, अबीद अब्द से बना है अबीद यानी बंदा। तो ये इस वजह से, अच्छा अब्द भी बंदे को कहते हैं और अबीद भी बंदे को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे रहीम होता है ना, रहीम रहम करने वाला फाइल है ये, इसी तरह अबीद है बंदा। तो यहाँ पर क्या है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सज़ा क्यों मिली, यानी फरिश्ते मारते भी हैं और रूह भी कब्ज करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, आगे चलकर देखो तुम्हें और सज़ा भुगतनी पड़ेगी, यानी इससे भी ज़्यादा हैबतनाक अंजाम होगा तुम्हारा। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ इसलिए हुआ जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, यानी तुमने जो करतूतें की थी, तुमने जो बुरे बुरे काम किए थे, जो अपने लिए बुराइयाँ तुमने समेट रखी थी, उन सब का नतीजा ये हुआ कि तुमको ये सब कुछ चखना पड़ा। वरना अल्लाह ताला बिल्कुल भी जुल्म करने वाले नहीं है अपने बंदों पर। यानी जैसे आगे आएगा कि ज़रा भी अल्लाह ताला धागे बराबर भी जुल्म नहीं करते, राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करते। अल्लाह ताला तो बहुत शफीक है, रहीम है। फिर आयत 52 देखें, कद अभी का मतलब जैसा के, दाबी हाल हुआ, दाब कहते हैं हालत को या आदत को, दोनों के लिए आता है, आदत के लिए भी आता है और हालत के लिए भी आता है। जैसे कि हाल हुआ या जैसे कि आदत थी, है ना, दोनों के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है, जैसे कि हालत थी या जैसे कि हाल हुआ, तो दोनों के लिए इस्तेमाल। जैसे कि आदत थी आले फिरौना, आले फिरौन की, या जैसे कि हाल हुआ आले फिरौन का। आल किसको कहते हैं, फिरौन के फॉलोवर्स और फिरौन सब। जैसे कि हाल हुआ आले फिरौन का, वल्लदीना और उन लोगों का, जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, मिन मतलब से, क़ब्ल मतलब पहले और हिम मतलब उनके, उनसे पहले थे, कफरू उन्होंने कुफ्र किया, भी आयतिल्लाह अल्लाह की आयतों का, अखज़हुम फा मतलब तो, अखज़ा पकड़ लिया हम उन्हें, अखज़ा या अखज़ू से बनाया, तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाहु अल्लाह ने, भी ज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, भी मतलब वजह, जुनूब गुनाह, जन्ब की जमा जुनूब है गुनाह, और हिम उनके, जैसे हुम होता है तो इसके साथ जुड़कर वो हिम हो गया, उनके गुनाहों की वजह से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, कवीयुन बहुत ताकतवर है, बहुत कवी है, ताकतवर है, शदीदुल इकाब शदीद सख्त, इकाब सजा देने वाला है, सख्त सजा देने वाला है, यानी पकड़ने में सख्त है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि जो तुमने आगे भेजा, जो तुमने हरकतें की थी, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। और इसी तरह आले फिरौन का भी हाल हुआ था, यानी जैसे कि फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के बारे में गलत हरकतें की थी, और मूसा अलैहिस्सलाम को, अपने नबी को परेशान किया था, मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स को परेशान किया था फिरौन ने और उसके साथियों ने, तो क्या नतीजा हुआ उसका कि वो डूब गए, अल्लाह ताला ने सबको डुबो दिया। इसी तरह कुरैश के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिरौन बने हुए थे, फिरौन ही तो बने हुए थे, अपने आप को बहुत बड़ा सरदार समझ रहे थे, वो अपने आप को खुदा बना बैठे थे, अपने आप की समझ रहे थे सब कुछ हम ही हैं, हमारे सामने अब कोई नहीं टिक सकता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको फिरौन का भी एग्जांपल दिया कि देखो तुम मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन बने बैठे हो, तो फिरौन का क्या हाल हुआ था, किस तरह हुआ था, और जितने भी पैगंबर गुजर चुके उनके, उनको जिस जिसने परेशान किया, उनके साथ क्या हुआ था। तो इसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से लोगों को पकड़ लेता है। तो इससे क्या पता चला, तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से। तो गुनाह क्या होते हैं, गुनाह हमें लेकर डूबते हैं, गुनाह हमें बर्बाद कर देते हैं, गुनाह जो है
गुनाह से इंसान को एक तो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है गुनाह करने से, अगर कसरत से गुनाह करे इंसान, कुरान भी समझ में नहीं आता उसको, तो कोशिश, क्योंकि इंसान है इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन मोमिन वो होता है जो फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, फौरन इस्तगफार कर ले अपने गुनाहों की और फौरन पलट कर वापस आ जाए, तो अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं, कितने भी बड़े गुनाह हो जाए अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। फिर आयत 53 देखें, जालिका ये भी अन्ना, भी मतलब वजह और अन्ना मतलब बेशक, इस वजह से बेशक के बेशक अल्लाह 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 लम नहीं यकू है मुगैरन बदलने वाला तब्दील करने वाला, मुगैरन गैर से बनाइए, गैर देखिए गैन रा गैन या रा गैर ठीक है, और गैर किसको कहते हैं, गैर कहते हैं अलावा को, सिवाय को, नाकी को, तो उसी से बनाया यानी चेंज करने को, उसी से ये बनाया, जब चेंज करने के लिए आता है तो गैरा युगैरु गैर, तो नहीं है अल्लाह बदलने वाला नीमतिन किसी नेमत को, नीमतिन वर्ड है यहाँ पर खुद एक, किसी नेमत को, अन अमहा उसने इनाम किया उसे, अन अमा उसने इनाम किया, अन अमा यून इमू इनाम करना या रिवॉर्ड देना, जो उसने इनाम किया, आ उसे, उसे किसे, नेमत को, नेमत पर, अला कौमिन किसी कौम कर, किसी कौम पर, बहुत बेहतरीन आयत है, इस आयत पर ध्यान दीजिएगा, किसी कौम पर, अला मतलब पर, हत्ता यहाँ तक के युगैरु वो बदल दें, गैरा युगैरा युगैरु, ये युगैरुना था, नून यहाँ पर ड्रॉप हो गया हत्ता की वजह से, ठीक है, यहाँ तक के वो खुद बदल दे इस, और इसके मायने भी इसलिए इस वजह से ऐसे हो रहे हैं, यहाँ तक के वो खुद बदल दे, माँ उसको जो भी अनफुसिहिम उनके पास है, वह अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीम खूब जानने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, देखिए इस आयत पर नोट कीजिए कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी कौम की नेमत को नहीं बदलते जब तक कि वो खुद तब्दील ना कर दें, यानी जब तक कि वो खुद अपनी नफ्सों में तब्दीली नहीं कर देते, अपनी नफ्सों में चेंजेस नहीं कर सकते, यानी अल्लाह ताला का ये दस्तूर नहीं है, अल्लाह ताला का ये तरीका नहीं है कि जब कोई कौम अपनी हालत बिगाड़ लेती है तो अल्लाह ताला उससे अपनी नेमत छीन लेता है, ठीक है, और अजाब में मुब्तला कर देता है, वरना अल्लाह ताला बिना वजह नेमत नहीं लेते किसी की। अब ये देखें कि क्योंकि कुफारे मक्का की तरफ इशारा है यहाँ पर, उनके पास सब कुछ था, उनके पास दीन दीन दुनिया यानी दुनिया में दोनों तरह की नेमतों से अल्लाह ताला ने उन्हें नमाज रखा था, उनको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था अल्लाह ताला ने, उनकी जो बिजनेस थी तिजारत थी उनकी दूर दूर तक फैली हुई थी, और उनका काफिला जो था वह सलामती से एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँच जाया करता था, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी और किल्लत और नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने आपसे उनका इनकार किया, मुसलमानों को परेशान करना शुरू किया, और फिर भी अल्लाह ताला ने उनको एकदम से नहीं पकड़ा, फिर भी उनको जो है वक्त दिया गया, आखिर में आकर बहुत बाद में जब जंग बदर हुई थी तब जाकर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा। तो नेमतें बरकरार रहती है, नेमत अल्लाह ताला छीनते नहीं है, नेमतें बरकरार रहती हैं अगर इंसान इताअत गुजार होता है और शुक्रगुजारी करता रहता है, और मान लें अगर इंसान ने जो है शुक्रगुजारी करी अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की परहेजगारी की, अल्लाह ताला ने जैसा कहा वैसा वो करता रहा, फिर भी नेमत छीन गई, तो फिर उसको एक आजमाइश समझें। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं ज़्यादातर नेमत बरकरार रहती हैं अगर इंसान उनका सही तरीके से इस्तेमाल करे, और इसी तरह बुरा हाल भी अच्छे हाल में नहीं बदलता जब तक इंसान अल्लाह ताला की इताअत की तरफ नहीं आता। अगर इंसान का बुरा हाल है तो वो उसका हाल अच्छा तब तक नहीं होगा जब तक वो अल्लाह ताला की तरफ पलट कर नहीं आता, ठीक है। आज भी जो है अब्यूज़ किया जाता है मुसलमान को, परेशान किया जाता है उनको, जिल्लत उनके पास जिल्लत है, रुसवाई है, ऐसा क्यों है, हर जगह, क्योंकि अल्लाह ताला तब तक बदलने वाले नहीं है जब तक कि खुद अपने हालात को ना बदल लें, खुद अपने आप को ना बदल लें, क्योंकि यही कहा है ना अल्लाह ताला ने, यहाँ तक कि वो बदल लें उसको जो उनके नफ्सों में है, यानी जो उनके अपने अंदर है और जो वो खुद हैं, अगर वो अपने आप को बदल देंगे तो अल्लाह ताला भी हालात को बदल देंगे, और बुरे हालात हटा कर अल्लाह ताला अच्छे हालात लेकर आ जाएंगे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, यानी बीमार हो गए होंगे वो, तो वो चूज़े की तरह हो चुके थे यानी इतने कमज़ोर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा क्या तुम अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगते थे,
तो उसने कहा, जी हाँ, मैं ये दुआ मांगा करता था कि ए अल्लाह, तूने आखिरत में मुझे सज़ा देनी है तो वो दुनिया में ही दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के अजाब की ताकत नहीं रखते, तो तुमने ये दुआ क्यों नहीं की कि अल्लाह ताला मुझे रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार, के अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे और हमें आग के अजाब से बचा। तो हमें जो है अल्लाह ताला से हमेशा भलाई मांगते रहना चाहिए, है ना, जो हर तरह की भलाई मांगते रहना चाहिए, आफियत की दुआएं मांगते रहना चाहिए, कभी भी अपने आप के लिए अजाब या प्रॉब्लम्स या मुश्किलात नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हमें क्या करना होगा, फिर अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होगी, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, पलट कर अल्लाह ताला की तरफ आएँ और कोशिश करें कि हम जो है गुनाह को छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला यही कह रहे हैं यहाँ पर, जब तक अल्लाह ताला किसी कौम के हालात नहीं बदलता, जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदल लें। अगर हम चाहते हैं आज हमें इज्जत मिले, हम जिल्लत भरी दुनिया से बाहर आएँ और हर जगह इज्जत से देखा जाए, तो उसके लिए ये है कि अपने आप को बदलना पड़ेगा, कुरान को आम करना पड़ेगा, अपने अंदर कुरान को उतारना पड़ेगा, अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इसको इतनी कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दो कि हम इसको आम कर दें, घर घर में हमारे ज़रिए ये कुरान पहुँच जाए, घर घर में पहुँच जाए, ताकि हम बदलें, हमारी कौम बदले और फिर अल्लाह ताला हमारे हालात बदलें, ताकि देख कर लगे कि ये मोमिन है, देख कर लगे कि वो ऐसा होता है, उसकी शान ऐसी होती है। तो इसलिए खुद को बदलने की कोशिश करें, अपनी नस्लों को ऐसा बनाएं, ऐसा परवान चढ़ाएं अपनी नस्लों को, इतना बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया बनाएं कि दूर से नजर आए वो चलता फिरता, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना चलते फिरते कुरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाएं, जैसे सहाबियात ने परवरिश की, ऐसी अच्छी माएँ बने। अच्छी माएँ भी तभी बन सकते हैं कुरान को जब फॉलो करेंगे, कुरान के अकॉर्डिंग परवरिश दें। तो अगर हम अपने हालात बदलेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे हालात बदल देंगे, अपने आप को बदलेंगे तो अल्लाह हमारे हालात बदल देंगे। आयत 54 देखें, कद अभी, जैसे के हालत थी या जैसे के हाल हुआ, या ये भी कर सकते हैं कि जैसे के आदत थी। तो जैसे के हाल हुआ आले फिरौन का, वल्लदीना, और उन लोगों का जो मिन कबलिहिम उनसे पहले थे, कज़बू मिन मतलब से कबलिहिम उनसे पहले, कज़बू उन्होंने झुटलाया, कज़बा युकज़िबू उन्होंने झुटलाया, भी आयाती आयात को, रब्बिहिम अपने रब की, अहलकनाहुम तो हलाक कर दिया हमने उन्हें, अहलका युहलिकू से बनाए, अहलकनाहुम हलाक कर दिया हमने उन्हें, भी ज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, भी मतलब वजह, जन्ब की जमा जुनूब और हिम मतलब उनके, उनके गुनाहों की वजह से, व अग़रक़ना और गर्क कर दिया हमने, डुबो दिया हमने, गर्क कर दिया हमने, अग़रक़ना हमने डुबो दिया, आला फिरऔना आले फिरौन को, वईन रा काफ इसके रूट लेटर से, अग़रक़ा युग़रिक़ु अग़रिक़ से ये बनाए, आले फिरऔना आले फिरौन को, व कुल्लुन और सबको, कुल किसको कहते हैं, टोटल सब, और सब के सब को, कानू थे वो जालिमीन जालिम। तो यहाँ पर कुरैश को ये क्या बताया जा रहा है, कुफारे कुरैश को ये बताया जा रहा है कि आज तुम्हारे सामने भी वही अंजाम आ रहा है जो पिछले अंबिया के मुखालफीन का अंजाम हुआ था, यानी जो पीछे पीछे जो अंबिया कराम आए थे, नबी आए थे, उनको जिसने उनको क्रिटिसाइज़ किया था, उनका उनके खिलाफ गए थे, तो जिस तरह उनको तबाह किया गया था, आज तुम्हारा अंजाम ऐसा हुआ, आज तुम्हें जिल्लत मिली, रुसवाई मिली, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में से जो ईमान लाए थे उनको बचा लिया गया, और जिन्होंने नहीं माना उनमें से कुछ जंगे बदर में मारे गए, और कुछ का जिक्र आगे सूरत तौबा में पता चलेगा कि क्या हुआ, मोहलत दी गई उनको, ठीक है। तो ये सब कुछ बताया जा रहा है, अल्लाह तुम्हारे साथ वही हुआ है जो आले फिरौन के साथ हुआ था और आले फिरौन के फॉलोवर्स के साथ हुआ था, क्यों, क्योंकि वो सब जालिम थे, तो जो लोग जुल्म करते हैं उनके साथ यही हाल होता है। आयत 55 देखें, इन्ना बेशक शर्रा सबसे बदतरीन, शर शर किसको कहते हैं, बुराई को कहते हैं, तो शर्रा बदतरीन बुरा, दवाब जानदारों में से, दवाब है ना, दवाबा की जमा है, ज़मीन पर रहने वाली मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है, फिर ये लफ्ज़ हर जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, तो हर जानवर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बेशक बदतरीन जानवरों में से, इंदल्लाही अल्लाह के पास, अल्लज़ीना वो लोग हैं जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कफरा यकफुरू से फेले माजी, फहुम
तो वो ला युमिनून नहीं ईमान लाएंगे, आमना युमिनून से बनाए तो वो नहीं ईमान लाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी जानवर हैं या जितने भी मखलूक हैं उनके उनमें से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जानवरों में से भी सबसे बड़ा बुरा जानवर या बदतरीन जानदार, जानदार भी इसको कर सकते हैं, जानदार मतलब जिस जिसके अंदर जान है उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो सबसे बदतरीन जानदारों में से अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, फिर वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी कुफ्र जो है वो सबसे बुरी गंदी बुराई है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। यानी वो लोग जिन जो रसूल और कुरान को अपने सामने पाकर भी सारे दलीलें रेफरेंसेस देखकर भी नहीं माने, ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग सबसे ज़्यादा बदतरीन हैं या ख़राब हैं। फिर एक बात याद रखें, कुफ्र करना होता है इनकार करना, ठीक है, ये बात याद रखें। कुफ्र मतलब इनकार करना। इनकार क्या होता है? इनकार ये होता है कि जब मैं किसी को अपनी बात पहुंचा दूं तो वो तब इनकार कर दे, उसी से फिर फाइल बनता है काफिर। यानी मैंने अपनी बात पहुंचा दी, यानी मेरे फादर ने मान लीजिए मेरे से पानी मांगा और मैंने इनकार कर दिया, तब मैं क्या हुई? इनकार करने वाली। लेकिन जब उन्होंने पानी मांगा ही नहीं तो मैं कैसे इनकार करने वाली हो गई? तो काफिर तब बनता है जब उसके पास दावत पहुंच जाए, अल्लाह ताला का कलाम पहुंच जाए, दलीलें पहुंच जाए, उसके बाद जब वो कुफ्र करता है तब कहा जाता है। और हम हर गैर मुस्लिम को क्या समझ बैठते? कुफ्र करने वाला। तो ये गलत है। कुफ्र करना होता है इनकार करना। पहले उन तक बात पहुंचानी होगी, पहले उन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की बातें और कलाम, अल्लाह ताला का कलाम पहुंचाना होगा, अल्लाह ताला के बारे में बताना होगा, उसके बाद वो बनता है, ठीक है। लेकिन हम नहीं कह सकते फिर भी। तो यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक बदतरीन जानदारों में से अल्लाह के नज़दीक वो हैं जिन्होंने कुफ्र किया फिर वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी फिर मानते ही नहीं और फिर ईमान लाएंगे ही नहीं, यानी कुफ्र किया और फिर आगे मानने वाले भी नहीं हैं। आयत 57, अल्लज़ीना, वो लोग जो आहत्ता, अहद लिया आपने, आहत्ता, अहद लिया आपने, इन हा दाल इसके रूट लेटर्स हैं, आहदा युआहिदू से बना है ये आहिद, ठीक है। ये देखिए आइन के ऊपर खड़ा जबर है, अहद करना नहीं है यहाँ पर, अब अहद लेना है, थोड़ा सा फर्क है इसके माजी में, ठीक है। आहत्ता, अहद लिया आपने, मिनहुम उनसे, सुम्मा फिर यनकुदूना वो तोड़ देते हैं, नून काफ दौद इसके रूट लेटर्स हैं, फिर वो तोड़, सुम्मा फिर यनकुदूना वो तोड़ देते हैं, देन दे ब्रेक, तो यहाँ पर नकदा यनकुदू उनकुद है, फेले मुजारे, अहदहुम अपने अहद को, अहदहुम उनका अहद यानी अपने अहद को, फी कुल्ली मर्रतिन हर बार, फी मतलब में, कुल्ली मतलब हर, मर्रतिन बार, हर मर्तबा में यानी हर बार, वहुम और वो, ला यत्तकून नहीं वो डरते, नहीं वो तकवा करते, यत्तकून इत्तका यत्तकी से बनाए, नहीं वो तकवा करते, नहीं वो डरते, यानी वो लोग जिन्होंने अहद किया उनमें से फिर वो उसको तोड़ देते हैं अपने अहद को। यानी आपने अहद लिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कुफारे मक्का से अहद लिया था, यानी उनकी अहद शिकनी की बात हो रही है यहाँ पर। कौन सी? तो इन आयात में यहूदियों का जो ये कबीला था बनू कुरैज़ा, उसके अहद शिकनी के बारे में बताया गया कि उन लोगों ने किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे को तोड़ दिया था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहद लिया था कि वो मुशरिकीन की मदद नहीं करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ उनकी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि जंगे बदर कब हुई थी? जब मुसलमान कहाँ पहुँच गए थे? मक्का में, मदीना में पहुँच गए थे, और मदीना में जो थे यहूदियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, अलग अलग कबीले रहते थे, तो मदीना जो था अब एक बाकायदा एक सियासत बन चुका था, एक मुस्लिम स्टेट बन चुका था। तो आप सर ने कुछ रूल्स बताए कि क्या क्या रूल्स हैं, तो उसमें से एक रूल ये भी था कि तुम जो है मुशरिकीन की मदद नहीं करोगे, उनसे ये अहद लिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? अहद दिया, वादा लिया, और फिर हथियार पहुँच उनको मदद भी की कि उनको हथियार पहुँचाए, उनको आर्म्स पहुँचाए गए, यानी मुशरिकीन मक्का की उन्होंने इस तरह मदद की हर तरीके से। तो यहाँ पर उनको डांटा जा रहा है कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का काम किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा लिया था लेकिन उन्होंने अपने वादे को हर मर्तबा तोड़ा। आगे भी आएगा कि उन्होंने किस किस तरह अपने वादे तोड़े। लेकिन फिर जब मुसलमान जीत गए तो उन्होंने माफ़ी मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। लेकिन फिर उनकी उनकी फितरत थी, वो अपनी फितरत से मजबूर है इंसान, अपनी
फितरत से मजबूर होता है, तो जंग अहद में भी उन्होंने फिर मुशरिकीन को मदद पहुँचाई इसी तरह आखिर तक, फिर एंड में जाकर उनका बायकॉट कर दिया गया था। तो यहाँ पर उनकी अहद शिकनी के बारे में बताया गया कि अपने अहद को पूरा करो, अपने वादे को पूरा करो, जो मुआहदा किया गया है कि किसी गैर मुस्लिम का साथ नहीं दोगे तो उसको पूरा करो। लेकिन वो डरते नहीं है, हर मर्तबा उन्होंने अपने अहद को तोड़ दिया। आयत नंबर 57, फइम्मा, फिर अगर आप देखें उन्हें, फिर अगर तस्कफन्नहुन्ना, आप पाएंगे उन्हें, तस्कफन्ना आप पाएंगे हम उन्हें, ठीक है, फा मतलब तो, इम्मा मतलब अगर, यानी उनकी टेंडेंसी बता रहे हैं कि क्या है। देखिए ये साकाफा, इसके रूट लेटर्स हैं, सकीफा यस्कफू इस्किफ से ये बनाए, और इसका मतलब होता है पाना। तो आप पाएं उन्हें, फिल हरबी जंग में, फी मतलब में और हर्ब जंग में, फशर्रिद तो मार भगाएं, फा मतलब तो, शर्रिद मार भगाएं, शीन रा दाल से बनाए ये, शरदन यानी बिदकना या भागना, और फिर जब ये आता है तशरीदन यानी डराना या भगाना, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, डराना या भगाना, तो मार भगाएं बिहिम उनके जरिए, बी मतलब जरिए और हिम मतलब उनके, क्योंकि बी जो होता है ना वो कनेक्टर होता है, तो इसके मायने सेंटेंस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। शर्रदा युशर्रिदु शर्रिद, तो मार भगाइए उनके जरिए, मन उन्हें जो खल्फहुम पीछे हैं उनके, लअल्लहुम ताकि वो यज़्दक करून नसीहत पकड़ें, ताकि वो मान जाएं, ताकि वो नसीहत पकड़ें, यानी जिन कौमों के साथ मुआहदा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कहा जा रहा है उनके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, वरना फिर उनको जो है वहाँ से भगा दो, मार भगाओ, ताकि वो जो है नसीहत पकड़ें, ताकि वो मान जाएं, ताकि वो नसीहत पकड़ें। यानी इस आयत में ये फरमाया जा रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि अगर किसी जंग में उन लोगों पर आप काबू पा लें, उन लोगों को अपने हाथों में ले ले काबू पाने, तो उनको ऐसी सख्त सजा दें जो दूसरों के लिए इबरत भी बने, यानी सजा से मुशरिकीन मक्का और दूसरे जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं वो इससे सबक हासिल करें, वो हिम्मत ना करें मुसलमानों के सामने आने की। तो इस तरह उन्हें जब वो आप उनको पा लें, पकड़ लें किसी जंग में, तो फिर उनको सख्त सजा दीजिए और उनके जरिए दूसरों को भी मार भगाइए।